राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, वो विवाद जिसने देश की भावनाओं को अलग अलग मजहबी रंग दिए, वो विवाद जिसके बारे में लोग सोचा करते थे कि वो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। बाबरी पर राम मंदिर की जीत हुई, राम मंदिर बनने भी लगा, लेकिन जो लोग विवादित ढांचे को गिराने और लोगों की भावनाओं को उकसाने में दोषी माने गए, वो अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वो न्याय अलग न्याय था, आज वो भी हो गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला दिया और सभी 32 लोगों को दोष मुक्त करके उन्हें बरी कर दिया। अब वो लोग जो जानना चाहते हैं कि ये कैसे संभव हुआ, तो एक लाइन जो न्यायाधीश ने कही वो इसका सटीक जवाब है। न्यायाधीश ने कहा, विध्वंस सुनियोजित नहीं था, ना ही इसके कोई ठोस सबूत मौजूद है। इस बिना पर सभी 32 आरोपियों को दोष मुक्त मानकर बरी कर दिया गया। इस मामले में बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत कुल 32 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अब सभी लोग बरी हुए हैं। देश की शीर्ष अदालत का फैसला इस मामले का आज पटाक्षेप कर गया। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने फैसले को ऐतिहासिक बताकर अपनी खुशी जाहिर की। आडवाणी बोले, 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो षड्यंत्र नहीं था, ये ऐतिहासिक फैसला है और बेहद खुशी का दिन है। ये मामला 49 लोगों के खिलाफ चल रहा था, इसमें 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है, बाकी सभी 32 लोग जो बाकी बचे हुए लोग थे उनको आज दोष मुक्त कर दिया गया। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया के खिलाफ IPC की धारा 120B के तहत साजिश रचने का मामला दर्ज था। सभी लोगों के खिलाफ IPC की धारा 120B, 147, 149, 153A, 153B और 505 खंड 1 के तहत मुकदमा दायर हुआ था। महंत, नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, बैकुंठलाल शर्मा, धर्मदास और सतीश प्रधान, उमा भारती पर भी ये आरोप थे। राम मंदिर मामले में पक्षकार रहे हासिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने कहा कि हम कानून का पालन करने वाले मुसलमान हैं, हम फैसले का स्वागत करते हैं और हम पहले से चाहते थे कि ये मामला निपट जाए, अब कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे। बाबरी मामले में उस वक्त 2 FIR दर्ज हुई थी, एक जिन्होंने इसे गिराया उनके खिलाफ और दूसरी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS के 8 लोगों के खिलाफ जिन्होंने राम कथा पार्क में भड़काऊ भाषण दिया था। दूसरी प्राथमिकी में अशोक सिंघल, साध्वी रतंबरा, विनय कटियार, गिरिराज किशोर, उमा भारती, विष्णु हरि डालमिया, मुरली मनोहर जोशी शामिल थे। पहला मामला सीबीआई के पास था तो दूसरा CBCID के पास, लेकिन बाद में इसे एक मामला मानकर सीबीआई ने आरोप पत्र संयुक्त रूप से दाखिल किया। कल्याण सिंह के गवर्नर पद से हटने के बाद उन्हें भी इस मामले में आरोपी माना गया, जो 2017 में हुआ। बाल ठाकरे को भी आरोपी बनाया गया फास्ट ट्रैक पर डालने के बाद सीबीआई ने 351 लोगों के बयान के आधार पर और 600 दस्तावेजों के हवाले से आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था और सितंबर में कार्यवाही पूरी कर ली गई। सभी आरोपियों के बयान दर्ज हुए जो जीवित थे और 30 सितंबर कोर्ट की तरफ से फैसले का दिन रखा गया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रतंबरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉक्टर रामविलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रजभूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, अमरनाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया महाराज, स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह गुजर, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और RN श्रीवास्तव, यानी सभी 32 आरोपियों को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया। यह फैसला दिया स्पेशल न्यायाधीश श्री सुरेंद्र कुमार यादव ने, वो 5 महीने पहले ही इस मामले में स्पेशल जज नियुक्त किए गए थे। सुरेंद्र कुमार पखानपुर जिला जौनपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और 31 साल की उम्र में न्यायमूर्ति बने थे। इस फैसले के बाद वो आज बेहद चर्चा में आ गए हैं, जो लाजमी भी है। देश का सबसे चर्चित मामला इस तरह से सुलझेगा, ये थोड़ा कम अपेक्षित था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर में एक लाइन आती है, डिक्री ऑफ कोर्ट इज द डिक्री ऑफ गॉड, यानी कोर्ट का फैसला भगवान का फैसला है। यही हमारे देश की
परिभाषा भी है। अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे आपसे। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि सारे अपडेट्स आप तक तय समय पर पहुंच जाया करें। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।